एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी नेक बहुत चमक रही है, बहुत शाइन कर रही है। तो एक बात बता दूं गाइस, मेरी नेक ऑलवेज ही शाइन करती है, बट समटाइम्स जब हम अपने जो है ना कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि नेक क्लीनिंग को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, तो नेक में जो है ना डर्ट, इम्प्योरिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी नेक जो है ना दूर से इतनी गंदी और मैल से भरी हुई नजर आती है। तो बड़ा ही जो है ना हमारे लिए शर्मसार हो जाते हैं हम जब कहीं बाहर जाते हैं और फेस अच्छे से चमक रहा हो, लेकिन नेक जो है हमारी जो दिख रही है और वो इतनी ब्लैक और ऐसे ऐसे लाइंस बनी हो। स्पेशली जो मेल होते हैं ना गाइस, उनकी नेक आपको ज्यादातर जो है ना डर्टी ही दिखेगी। प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं अपनी स्किन क्लीनिंग को लेकर। और स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनकी नेक जो है ना बहुत ही ज्यादा मैल से भरी हुई होती है। तो छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, उनको अपनी जो है ना क्लीनिंग का ध्यान खासकर रखना चाहिए, और नेक की क्लीनिंग का तो स्पेशली। तो आज मैं आपके साथ जो है ना 4 स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी नेक को डीपली जो है ना क्लीन रख सकते हो, हाइड्रेट रख सकते हो, और एकदम सा देख रहे हो ना चमचमाती हुई बना सकते हो। तो अभी मैंने वो 4 स्टेप्स का जो है ना शूट किया है, अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजीली आप उसको कर सकते हो, जिससे जो है ना आपकी स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगी, ग्लोसी लगेगी और बहुत ज्यादा क्लीन भी हो जाएगी। तो चलो अब और ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं ये 4 स्टेप्स क्या है और इनको कैसे फॉलो करना है। अरे रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नेक क्लीनिंग के फर्स्ट स्टेप में आपने करनी है स्टीमिंग, और स्टीमिंग करने के लिए ना आपने क्या करना है, एक टॉवल लेना है, एक क्लीन सा टॉवल लीजिएगा और लुकवर्म वाटर के अंदर इसको अच्छे से डिप करके स्क्वीज कर लीजिएगा, और फिर ऐसे फोल्ड करके ना आपने अपनी नेक पर इसको ऐसे करना है, स्टीम देनी है आपने। यानी कि फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टीमिंग का, तो स्टीम देने का प्रोसेस जो है ना वो इस तरह का है। टॉवल जितना आपने गीला किया हुआ है उससे अच्छे से ऐसे ऐसे स्टीम दीजिए अपनी स्किन को। स्टीम देने का क्या बेनिफिट होगा गाइज, इससे ना आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन से डर्ट बाहर निकलेगी, और जैसे ही हम सेकंड एंड थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी नेक जो है ना डीपली क्लीन हो जाएगी, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो सब एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो अभी जो स्टीमिंग हम दे रहे हैं इससे हमारे पोर्स ओपन होंगे ताकि डर्ट इम्प्योरिटीज निकलने के लिए तैयार हो जाए, स्किन जो है डीपली अच्छे से क्लीन हो जाए। तो स्टीम देकर बहुत मजा आ रहा है गाइस, लुकवर्म वाटर लेना है, हॉट वाटर नहीं लेना। तो कम से कम 2 या 3 मिनट तक आपने इसी तरह से स्टीम देनी है। आप इस प्रोसेस को ना पीछे से भी कर सकते हो, यानी कि अपनी बैक, अपनी पीठ की क्लीनिंग के लिए भी अपना बड़ा सा टॉवल लीजिए और उसको अच्छे से रखकर ऐसे ऐसे स्टीम दीजिए ऐसे ऐसे। अगर आपने पीछे भी सेकंड एंड थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, मैं जस्ट डेमो के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट नेक पर जो है ना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरा टॉवल हाफ जो है ना गीला किया हुआ है मैंने। बस 2 मिनट तक ऐसे रखने के बाद टॉवल हटा दीजिए, स्किन जो है ना तैयार हो गई है अपनी स्किन की क्लीनिंग करने के लिए। नेक क्लीनिंग का जो सेकंड स्टेप है गाइस वो है स्क्रब, और स्क्रब बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर ना हो तो आप यहाँ पर राइस फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड करना है। रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, स्किन की फेयरनेस को प्रमोट करता है, साथ साथ स्किन की डेड लेयर को हटाकर स्किन की सारी इम्प्योरिटीज, सारी डस्ट जो है उसको निकाल देता है। तो हमने इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। गाइस ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब आपने क्या लेना है, लेमन का पील लेना है इस तरह से, और इस पील को आपने इसके अंदर अच्छे से डिप करना है ऐसे। इसको
इसको अच्छे से लेकर आपने अपनी नेक की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मसाज करनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसके साथ स्किन की जो है ना मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो गर्दन पर लाइंस बन गई हैं जो मैल की, वो डर्ट इम्प्योरिटी सब निकलने लगेंगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन होगी, डर्ट फ्री होगी। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसके साथ अपनी नेक को जो है ना अच्छे से रब करेंगे तो स्किन जो है एक्सफोलिएट भी होगी, डेड स्किन सेल्स रिपेयर होंगी, स्किन की डर्ट इम्प्योरिटीज जाएंगी और साथ साथ स्किन पर एक बहुत ही जो है ना क्लियरेंस नजर आएगी आपको। आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर लगेगी, आपको साफ सुथरी सी लगेगी, डर्ट फ्री लगेगी। फिर आपने एक गीले टॉवल की हेल्प से अपनी स्किन को, अपनी नेक को अच्छे से क्लीन कर लेना है, या फिर डायरेक्ट आप वाटर से वॉश भी कर सकते हो। वीक में 2 बार करने से आपकी स्किन काफी हेल्दी होगी। थर्ड स्टेप है यहाँ पर पैक। पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है और मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने यहाँ पर ऐड करना है कर्ड। कर्ड यानी कि दही। दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, स्किन की डर्ट इम्प्योरिटीज को हटाता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। तो आपने कर्ड इसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट आपने इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ग्राजी आपका फ्रेश एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक ड्रॉप्स एलोवेरा जेल के डाल लीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पैक रेडी कर लीजिए। पैक बनाने के लिए हमने मुल्तानी मिट्टी ली है। तो गाइस, मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करती है, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है। हमने यहाँ पर ऐड किया है कर्ड। कर्ड जो है ये आपकी स्किन को फेयरनेस इफेक्ट देता है। स्किन पर जितने भी दाग वगैरह हो जाते हैं, स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, उनको हटाने में भी दही बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने के लिए। इसे अपनी नेक पर अप्लाई कर लीजिए और फिर इसे 15 मिनट तक ऐसे ही अपनी स्किन पर रहने दीजिए। फिर लूपवॉर्म वाटर के साथ अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिए। गाइस, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपकी नेक की क्लीनिंग के लिए दी बेस्ट रहेंगे। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, 4 स्टेप में आपने करना है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। आपने अपनी नेक की स्किन पर जो है ना अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है, या फिर मॉइस्चराइजर नहीं है तो एलोवेरा जेल लीजिए और अपनी नेक पर लगाकर अच्छे से मसाज कीजिए। एक्चुअली जो है ना स्क्रब करने से, पैक लगाने से थोड़ी सी स्किन ड्राई तो हो ही जाती है, लेकिन जब उसके बाद एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर लगाओगे तो ये स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, स्किन बड़ी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन की ड्राइनेस दूर होगी और स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी एंड क्लीन भी हो जाएगी। सो गाइज, नेक क्लीनिंग के ये 4 के 4 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इन 4 स्टेप्स को अगर आप वीक में 2 बार या 1 बार भी कर लेते हैं तो आपकी जो नेक है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से साफ सुथरी सी हो जाएगी, बिल्कुल भी टैनिंग वगैरह सब कुछ, ये प्रॉब्लम्स जो है ना स्पॉट्स की, रिंकल्स की, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। मिलूंगी आपको अनदर फैंटेस्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए Take care and bye.